हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका, और आज मैं आप लोगों के साथ एक डीएफए के एग्जाम्पल फिर से लेकर के आई हूँ। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है इसको हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम्पल को आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और आगे फर्दर बहुत सारे वीडियोस इस तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ ही रहेंगे अभी, क्योंकि जो हमने इससे पहले जो डीएफए के एग्जाम्पल्स किए हैं वो इससे अलग हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है, ड्रॉ आर डीएफए एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग विद ए। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वहां पर क्या दिया हुआ था, वहां पर दिया हुआ था एंडिंग विद ए। तो यहाँ पर जो आप स्टार्टिंग मिल रहा है पहले, वो यहाँ पर क्या था लिखा हुआ है, एंडिंग लिखा हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज अलग है। तो जब हम डीएफए को बनाएंगे, देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब वही रहेंगे हमारे, एक चीज यहाँ पर हम नई इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज ट्रैप स्टेट। तो हम यहाँ पे ट्रैप स्टेट के बारे में जान लेते हैं कि ट्रैप स्टेट होती क्या है, क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। तो ट्रैप स्टेट आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी किस तरीके की स्टेट जहां पर जाकर आप एक तरीके से डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है और वो चीज वहीं पे टर्मिनेट हो रही है, हॉल्ट हो जा रही है, इस तरीके से आप बोल सकते हो उसको। तो इसीलिए हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से डीएफए को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कैसे स्ट्रिंग्स चाहिए जो कि स्टार्ट हो रही हो किससे, ए से। तो वही सबसे पहला ट्रिक हम क्या करेंगे, मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए, क्योंकि वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग में क्या हो, ए हो। तो मिनिमम स्ट्रिंग हमने ए फाइंड कर लिया, और इस मिनिमम स्ट्रिंग के लिए हम डीएफए बना लेंगे सबसे पहले। तो डीएफए कैसे बनेगा, क्यू नॉट एक इनिशियल स्टेट हमने ले लिया, एक Q1 हमने फाइनल स्टेट ले लिया, और इनके बीच में हमने एक ट्रांजिशन दिखा दिया, किसके लिए, ए के लिए। तो ये तो हो गया मिनिमम स्ट्रिंग के लिए। अब पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग्स तो हमारे कुछ भी हो सकते हैं, ए ए ए ए ए बी, या फिर ए ए बी बी, या फिर सारे ही ए हो जाएं, है ना, या फिर ए के हो बाकी सारे बी हो जाएं। तो कुछ भी हो सकते हैं पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो बस स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, सब में ए आना चाहिए, बाकी उसके बाद कुछ भी आता रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में हमको ए चाहिए, अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर किसी भी जगह पर अगर बी आ जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर गलत हो जाएगी, वो चीज, वो स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि हम स्टार्टिंग में किसी भी तरीके से बी ना आए, हम यहाँ पर एक बनाएंगे ट्रैप स्टेट। इस तरीके से यहाँ लिख देंगे Q2, और ये किससे कनेक्ट हो जाएगी, इनिशियल स्टेट से। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं, हर स्टेट पे जो भी इनपुट सिंबल्स हमारे होते हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट सिंबल्स क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी, ए और बी दो इनपुट सिंबल है। तो इस तरीके से जितने भी इनपुट सिंबल्स हमारे पास होते हैं उन सारे सिंबल्स के लिए हर स्टेट पर जाकर हम चेक करेंगे। लाइक अगर ये क्यू नॉट स्टेट है यहाँ पर, तो हम क्यू नॉट पे ए और बी दोनों इनपुट के लिए देखेंगे, Q1 स्टेट पे भी हम ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन देखेंगे कि किस तरीके से बननी है। तो यहाँ पर जब हम क्यू नॉट पर आते हैं, तो क्यू नॉट पर आप देखो ए के लिए तो ऑलरेडी हमारा ट्रांजिशन है ही सीधा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास इनपुट रह जाता है बी, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या आ सकता है, स्ट्रिंग में सिर्फ ए आ सकता है, बी आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक बना दी ट्रैप स्टेट, इसको हम ट्रैप स्टेट बोल सकते हैं Q2 को, कि आगे ये किसी भी चीज से आगे कनेक्टेड नहीं है, मतलब आगे ये ना तो खुद फाइनल स्टेट है और ना ही आगे ये किसी भी तरीके से फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये एक डेड एंड पे जा रही है जिसका आगे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो ये अगर बी हमको मिल जाता है इनिशियली, तो वो हमारा कहाँ चला जाए, डेड एंड, मतलब ट्रैप स्टेट में चला जाए, ठीक। और अगर ए मिल रहा है तो वो कहाँ चला जाए, फाइनल स्टेट पे चला जाए। तो ये तो बात हो गई स्टेट क्यू नॉट की। अब हम आ जाते हैं स्टेट Q1 पे। अब देखो, हम अगर यहाँ पे ए की बात करते हैं, तो हमने देखा ए के बाद कितने भी ए आ सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लूप लगा दिया, ए के हमको चाहिए स्टार्टिंग में, उसके बाद कितने भी ए आते रहे या फिर कितने भी बी आते रहे, जैसे ए के बाद सारे ही बी हैं, हमें इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमने एक डीएफए यहाँ पर बना लिया, इस तरीके का डीएफए बना जिसमें स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ए के साथ होगी,
उसके बाद कितने भी ए कितने भी बी या फिर ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ सकता है। और अगर हमें इनिशियल स्टेट पे बी मिल जाएगा तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैप स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आज एक नया कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और फर्दर आगे हम इसी तरीके के और भी वीडियोस बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।